हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशान्स। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पनीर फ्राइड राइस की रेसिपी, जो बहुत इजी है, बहुत डिलिशियस है। इसे हम 10 मिनट में बना सकते हैं और इसे मैं लेफ़्ट ओवर राइस से बनाऊंगी, यानी रात के बचे हुए राइस होते हैं कई बार हमारे पास, या एक्स्ट्रा राइस हम बना देते हैं, राइस बच जाते हैं, तो हम उससे ये बहुत डिलिशियस सी पनीर फ्राइड राइस की रेसिपी बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैं पनीर की क्यूब्स को मैरिनेट कर लूँगी। तो ये मैंने अराउंड 150 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और मैं अब इसे मैरिनेट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून सोया सॉस। अब मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून विनेगर, अराउंड 1 टीस्पून चिली सॉस, आप रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं, और 1 टेबल स्पून टमेटो सॉस, अराउंड 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसमें हम डालेंगे अब 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अराउंड 1 टीस्पून धनिया पाउडर, अराउंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे पनीर क्यूब्स को शैलो फ्राई कर लेंगे ऑयल में। इस तरह से देखिए, मैंने सारी क्यूब्स को ऑयल में डाल दिया है। इसे हमने शैलो फ्राई करना है दोनों साइड से। सो ये पनीर फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और हम इसे अलग रख देंगे। अब सेम कढ़ाई में या सेम पैन में उसी ऑयल में हम डालेंगे अराउंड 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप जिंजर यानी अदरक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप गार्लिक यानी लहसुन। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 1 मिनट के लिए हमें कुक करना है और इसको सिम पे कुक करेंगे हम, सिम फ्लेम पे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन। मैं इसमें ये वेजेस यूज़ कर रही हूँ, अनियन, बीन्स, ग्रीन पीस, कैरेट और स्प्रिंग अनियंस, टमाटो और कैप्सिकम। वो मैं टमाटो और कैप्सिकम बाद में यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें अनियन और स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ। 1 चॉप्ड अनियन है, 2 से 3 टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन लिया है मैंने चॉप करके। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमने फ्लेम को हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पे हम ये सारी वेजेस को स्टर फ्राई कर लेंगे। अब मैंने इसमें कैरेट्स भी ऐड कर दी हैं और बीन्स भी ऐड कर दिए हैं चॉप करके। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पे, और फ्लेम हमें हाई रखनी है फ्राइड राइस बनाने के टाइम पे। अब मैंने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं, अराउंड 2 to 3 ग्रीन चिलीज आप इसमें चॉप करके ऐड कर सकते हैं। इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाई फ्लेम पे इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे और इसे अब हमें पूरी तरह से कुक नहीं करना है वेजेस को, थोड़ा सा इसे कच्चा रखना है ताकि जो फ्राइड राइस में क्रंच आता है वो आए इसमें। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सॉल्ट हमने पनीर में भी ऐड किया है और राइस में भी सॉल्ट अगर आप ऐड करेंगे तो इसमें सॉल्ट ध्यान से ऐड करना है। अब ये कुक हो चुकी है वेजेस, अब मैं इसमें कैप्सिकम डाल रही हूँ, और ये टमेटोज हैं जो ये सीडलेस हैं, मैंने इसके सीड्स निकाल दिए हैं और आउटर पार्ट को खाली मैंने कट कर लिया है। इन्हें हमने पहले इसलिए ऐड नहीं किया बिकॉज टमेटोज और कैप्सिकम बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, सो हमें इन्हें ओवर कुक नहीं करना वेजीज को, वरना फ्राइड राइस में क्रंच नहीं आएगा। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सेम हाई फ्लेम पे करना है ये सारा हमने। ये वेजीज कुक हो चुकी हैं। अब मैं इसमें राइस ऐड करूँगी। ये मेरे पास रात के बचे हुए राइस हैं, और अगर आप चाहें तो आप फ्रेश राइस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर आपको राइस को काफ़ी टाइम पहले, मतलब 1 से 2 घंटे पहले बना कर रखिए, तब फ्राइड राइस जो है बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैं ये राइस इसमें ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1 कप राइस मैंने ये बनाए थे, मतलब बचे हुए राइस हैं ये जो 1 कप है। अब हम राइस के ऊपर डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर अराउंड 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून विनेगर, और ये सब हमने राइस के ऊपर डालना है, वेजेस के ऊपर नहीं, ताकि राइस में एक बहुत अच्छा कलर आए। अब इसे बहुत स्लाइटली मिक्स करना है ताकि सारी वेजेस, राइस और जो हमने सॉस और विनेगर सोया सॉस डाला है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए।
देखिए वेजेस का कलर जो है नेचुरल कलर वो इसमें कितना अच्छा आ रहा है, इसलिए मैंने राइस के ऊपर डाला है ये सब, ताकि वेजेस का भी नेचुरल कलर रहे उसमें। सो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पनीर क्यूब्स ऐड कर रही हूँ जो हमने अलग रखे थे फ्राई करके। ये सब पनीर क्यूब्स मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसे स्लाइटली मिक्स कर लेंगे, पनीर ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो ये फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे थोड़े से चॉप्ड स्प्रिंग अनियन से, जो ग्रीन पार्ट होता है अनियन का, उससे हम गार्निश करके इसे हम गरम गरम सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम बचे हुए राइस को कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कितनी डिलिशियस रेसिपी हम उससे बना सकते हैं, पनीर फ्राइड राइस। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ 10 मिनट लगते हैं अगर आपके पास राइस ऑलरेडी हैं तो, आप बहुत जल्दी इस रेसिपी को बना सकते हैं और ये बहुत डिलिशियस बनती है। फ्रेंड्स, इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी देन इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Oh, 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 oh